भारत में जाति व्यवस्था, आप लोगों ने फिर से एक बार देख लिया है कि किस तरह से जातियों का, मतलब आपने देखा है कि हमारी जाति महान है, हमारी जाति ऊपर है, इस जाति ने ये किया है, उस जाति ने ये किया है। अपनी जाति आप समझिए कि हम कितने भी बुरा कर दें, लेकिन फिर भी हम लोग उसका साथ दे रहे हैं क्योंकि हमारी ही वो जाति का है, समझ रहे हैं आप लोग। और नेताओं का एक अलग काम है, उन्हें वोट बैंक चाहिए। आप सोचिए कि आपकी जाति से उन्हें कोई मतलब नहीं है, आप क्या कर रहे हैं। आपने देखा होगा लॉकडाउन के टाइम किसी ने साथ नहीं दिया, किसी नेता ने नहीं, आपका पड़ोसी ही आपके काम आया है। लेकिन जब जात पात की लड़ाई होती है तो उसमें नेता सबसे पहले कूद पड़ते हैं। और ये समझिए कि ये किसी को नहीं छोड़ते हैं, ये लाशों पर भी राजनीति करते आए हैं और करते रहेंगे। आप लोग देखते होंगे कि भारत में आप, मैं इस जाति का हूं, मैं इस जाति का हूं, और अपनी जाति को ऊपर ऊपर उठाते हैं, नीचे दूसरे की को नीचे झुकाते हैं। आप लोगों ने एक अच्छी कहावत सुनी होगी कि असल में हम ऐसा काम करते हैं जब भी कि दूसरे को, अपने आप को ऊपर उठाते हैं, दूसरे को नीचे दबाते हैं, उस समय असल में हम क्या कर रहे होते हैं कि अपने आप को नीचे गिरा रहे होते हैं, अपने धर्म को हम लोग नीचे गिरा रहे होते हैं। अगर आप सामने वाले धर्म का, जो जिस भी धर्म का व्यक्ति है, उसका सम्मान करते हैं, उसके धर्म का सम्मान करते हैं, तो वो भी आपके सम्मान करेगा, समझ रहे हैं आप लोग। और मुझे लगता है कि हमारे भारत का पिछड़ने का कारण एक सबसे ज्यादा यही है, जात पात, समझ रहे हैं आप लोग। क्योंकि आपने देखा है अभी ईरान, आप चले जाइए चाइना में, चाइनीज देखने को मिलेंगे आपको, आप रसिया में जाइए, रसियन देखने को मिलेंगे, जापान में जाइए, जापानी, आप देखेंगे अमेरिका में, अमेरिकी। अभी कुछ दिन पहले आपने देखा एक जापान के जो राष्ट्र प्रमुख हैं, उनका एक इंटरव्यू मैं पढ़ रहा था, उसमें उन्होंने, आपने देखा है कि 1945 में 2 बार परमाणु बम गिराए गए जापान पर अमेरिका के द्वारा, लेकिन फिर भी आप सोचिए कि हमसे आगे निकल गया, विकसित देशों की सूची में जाके खड़ा हो चुका है वो। हर चीज में आप देखिए, हर तकनीकी क्षेत्र में देखिए, वो आगे है हमसे कई, आप, ये सीधी सी बात है, छोटा सा देश है फिर भी हमसे आगे है। तो उनके यही कहना है कि हमारे यहाँ जात पात नहीं, अगर हमारे अपने लिए अगर कोई 6 घंटे काम करता है तो 1 घंटे देश के लिए काम करता है, समझ रहे हैं, ये हाल है। और जाति व्यवस्था में हम लोग एक तरह से लड़ते मलते रहते हैं और चलता रहता है। नेताओं का क्या है, आज ये रोटी सेंक रहे हैं, कल दूसरा सेंकेगा, परसों कोई और आ जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं, हाल ही में आपने देखा है कि भारत में जातिगत तनाव की स्थिति दृष्टिगत हुई है। और एक बात और याद रखिए, आप लोग इस तरह के निबंध ऐसे और आपके आंसर राइटिंग यानी कि मेंस में क्वेश्चन आते रहते हैं, फिर चाहे आपका स्टेट पीसीएस हो या फिर आपका सिविल सर्विस हो। और एक और बात हमेशा याद रखिए, सी सेट में भी आपके क्वेश्चन इस तरह के पूछते रहते हैं, और जो पेपर 4 है आपका, उसमें तो पूरा आप समझिए कि एक तरह से आपका इंसानियत आपकी देखने की बात की जाती है कि आप में कितनी मानवता है, क्या है आप आखिर, ठीक है। आपको यहाँ इस समय आपको देखने को ये नहीं मिलेगा कि मैं सब अपने अपनी जाति लिखेंगे, मैं तो कहता हूँ इस कॉलम को ही, जाति वाले कास्ट वाले कॉलम को ही हटा देना चाहिए, समझ रहे हैं। और हम एक इंसान है, मानव है, आज कोई ये नहीं कहता है कि मैं इंसान हूं, इंसानियत है मेरे अंदर, नहीं मैं इस धर्म का हूं, मैं इस धर्म का हूं। जाति व्यवस्था एक सामाजिक बुराई है जो प्राचीन काल से भारतीय समाज में मौजूद है, बरसों से लोग इसकी आलोचना कर रहे हैं, लेकिन फिर भी जाति व्यवस्था ने हमारे देश के सामाजिक राजनीतिक व्यवस्था पर अपनी पकड़ मजबूत बनाए रखी है। और याद रखिए, आप आजादी से पहले देख लीजिए कभी भी, उस समय इतनी जाति पाति एक दूसरे की जाति से मुझे लगता है नफरत नहीं थी, इस समय जितनी नफरत बढ़ चुकी है। एक समय आप सोचिए कि आप तो चरम पे पहुंच चुकी है स्थिति, आप फेसबुक, कभी सोशल मीडिया पर आप जाकर देखिए, दूसरे के धर्म को नीचा दिखाने के लिए कितने, मतलब हर तरह से कितनी कहानियां गढ़ लेते हैं। और आप सोचिए कि ये वही लोग हैं जो फेसबुक व्हाट्सएप की दुनिया यानी कि इसी यूनिवर्सिटी में एक तरह से पढ़ाई करते हैं। अब मैं कुछ दिन पहले बताया आप लोगों को कि गांधी जी के बारे में उल्टा सीधा लिख रहे हैं, कोई भगत सिंह के बारे में, कोई जवाहरलाल नेहरू के बारे में, कोई किसी के बारे में, क्योंकि उन्होंने उनके बारे में पढ़ा ही नहीं है, उन्होंने केवल वो कहानियां पढ़ी हैं जो फेसबुक पर वायरल होती रहती हैं नीचा दिखाने के लिए। हमने बताया कि जमीन आसमान का फर्क है आज के नेता में, उस समय के नेताओं में जमीन आसमान का फर्क देखने को आपको मिलेगा, वो असल में नेता हुआ करते थे। और आजकल तो एक तरह से आप जितना बुरा शब्द यूज कर सकते हैं अपने हिसाब से करते रहिए,
ये हाल है। भारतीय समाज में सदियों से कुछ राजनीतिक सामाजिक बुराइयां विचित्र रही हैं और जाति व्यवस्था भी उन्हीं में से एक है। हालांकि जाति व्यवस्था की अवधारणा में इस अवधि के दौरान कुछ परिवर्तन जरूर आया है और इसकी मान्यताएं तब उतनी रूढ़िवादी नहीं रही जितनी कि पहले हुआ करती थी, लेकिन इसके बावजूद यह अभी भी देश में लोगों के धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक जीवन पर असर डाल रही है। उत्पत्ति की बात अगर करें हम लोग जातिवाद की, तो ऋग वैदिक कालीन वर्ण व्यवस्था व्यवसाय के आधार पर निर्धारित थी। उत्तर वैदिक काल के आते आते जाति व्यवस्था जन्म के आधार पर निर्धारण में परिवर्तित हो गई थी। आप समझिए कि पहले व्यवसाय के आधार पर आप इस कास्ट के हैं तो ये आपका व्यवसाय, अगर आप इस कास्ट के हैं, ठीक है, फिर जन्म के आधार पर होने लगी उत्तर वैदिक काल में। आप समझ रहे हैं, यह माना जाता है कि ये समूह हिंदू धर्म के अनुसार सृष्टि के निर्माता भगवान ब्रह्मा के द्वारा अस्तित्व में आए भारत में जाति व्यवस्था लोगों को चार अलग अलग श्रेणियों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र में बांटती है। विकास सिद्धांत के अनुसार सामाजिक विकास के कारण जाति व्यवस्था की उत्पत्ति हुई। सभ्यता के लंबे और मंद विकास के कारण जाति व्यवस्था, जाति प्रथा में कुछ दोष भी आते गए। इसको सबसे बड़ा दोष छुआछूत की भावना है, परंतु विभिन्न प्रयासों से यह सामाजिक बुराई दूर होती जा रही है। जाति प्रथा की अगर समस्याओं की अगर हम बात करें तो लोकतंत्र के विरोध, लोकतंत्र जहां सभी को समान समझता है, एक लोकतांत्रिक देश के नाते संविधान के अनुच्छेद 15 में राज्य के द्वारा धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर नागरिकों के प्रति जीवन के किसी क्षेत्र में भेदभाव नहीं किया जाने की बात की गई है, तो अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है। परंतु वास्तव में यह आज भी किसी न किसी रूप में आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि जाति व्यवस्था समानता नहीं बल्कि दो वर्गों में वरिष्ठता के सिद्धांत को मानती है और अतः यह लोकतंत्र के विरुद्ध है। वरिष्ठता का मतलब आप समझ रहे हैं कि हम ऊपर हैं तुम नीचे हो, यही एक तरह से आप सोचिए दौड़ चल रही है, लड़ाई चल रही है। और याद रखिए हमें 1947 में आजादी मिल गई। किसकी आजादी, किस बात की आजादी मिल गई? अंग्रेज तो छोड़ के चले गए, लेकिन एक तरह से प्रोसेस हमारी शुरू हुई है 1947 से कि हमें आजादी एक तरह से मिलनी चाहिए थी, अधिकार हमें मिलते रहना चाहिए थे, ठीक है। ये नहीं कहिए, ये मत कहिए कि हमें 1947 में आजादी मिल गई। किस बात की आजादी मिल गई? आज भी तो आप देख रहे हैं कि हर तरह से आपके अधिकारों पर पाबंदी लगाई जाती है। तो आपका एक प्रोसेस शुरू हो गई थी 1947 से, और अच्छे रास्ते पर अगर चलते रहते तो सब कुछ बढ़िया रहता। आज आप लोकतंत्र में देखिए, आपको अगर कोई भी रिपोर्ट आती है तो उसमें हमारी स्थिति बुरी रहती है। फिर चाहे आप स्वतंत्रता की बात कर लीजिए, फिर चाहे आप रिपोर्ट कोई भी इस तरह की पत्रकारिता की बात कर लीजिए, फिर चाहे आप भ्रष्टाचार की बात करिए, फिर चाहे आप लोकतंत्र की स्थिति की बात करिए। अभी तो आपने देखा है कि लोकतंत्र के नाम पर मेरे, आपने देखा है कई न्यूज पेपर आप लोग अगर पढ़ते हैं, और मैं इतना कहता हूं कि आप लोग फेसबुक, व्हाट्सएप की वजह आप लोग कोई आर्टिकल पढ़ लिया करेगा, जैसे आपका दैनिक जागरण निकाल रहा है, हिंदुस्तान भी बढ़िया आर्टिकल निकालता है, तो उसे पढ़ा करिएगा, उसमें बताया जाता है सब कुछ। कम से कम फेसबुक में क्या रहेगा आपको, फेसबुक में एक तरह से वायरल वही होता है जो झूठी खबर होती है एक नंबर की। तो आप देखेंगे कि मतलब एक तरह से हमारे लोकतंत्र पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा होने लगा है कि हमें किस बात का लोकतंत्र। लोकतंत्र का मतलब तो ये होता है कि एक तरह से हर व्यक्ति अपने आप में आजाद हो, हर आदमी को कहीं रोक टोक की जरूरत ही ना हो। अगर वो देश के, देखिए देश के विरोध में जा रहा है तब रोकने की जरूरत पड़े, लेकिन आज आप देखते हैं कि एक के अधिकार को दबा के दूसरे अधिकार, समझ रहे हैं। एक बात और हमेशा याद रखिए, हमेशा मैंने कहा है कि लोकतंत्र, अगर किसी देश को अगर पावरफुल बनना है तो आप जाति पात, इस तरह की वोट बैंक खत्म हो जाएगी तभी हो सकता है। आज आप दिल्ली देखिए, केरल जाकर देखिए आप लोग, स्वास्थ्य व्यवस्था आपको बेहतर मिलेगी, क्योंकि यहाँ जात पात की वोट पर कम, मतलब आप सोचिए वोट पड़ते हैं, यहाँ वोट पड़ते हैं आप काम के नाम पर। दिल्ली की स्थिति आपने देखी है ना, कि विपक्ष ने पूरी दम ठोक दी थी, फिर भी वहां अरविंद केजरीवाल को हरा नहीं पाया। मैं कोई अरविंद केजरीवाल का सपोर्ट नहीं हूँ, मेरा इतना कहने का मतलब है कि वहां आप सोचिए अभी रिजल्ट आया है सरकारी स्कूलों का, तो प्राइवेट स्कूलों से बेहतर स्कोर किया है सरकारी स्कूलों ने, तो आप समझ सकते हैं कि ये हाल है। और जनता को क्या चाहिए, आप बड़े आदमी है गरीब आदमी इससे कोई मतलब नहीं है। आपको स्वास्थ्य मिलना चाहिए, शिक्षा मिलनी चाहिए और आपको रोजगार मिलना चाहिए। अगर ये तीन मुद्दे अगर आप रहते हैं तो देश की, देखिए सुरक्षा भी हो सकती है और आप सोचिए देशभक्ति हो सकती है। अब वही है कि भूखे पेट भजन नहीं होता,
तो जब खाने के लिए नहीं रहेगा तो कौन देशभक्ति निभाएगा? आगे या समाज का अंग, निसंदेह जाति प्रथा एक सामाजिक कुरीति है। ये विडंबना ही है कि देश को आजाद हुए 7 दशक से भी अधिक समय बीत जाने के बाद भी हम जाति प्रथा की चंगुल से मुक्त नहीं हो पाए। यहां तक कि लोकतांत्रिक चुनाव में भी जीत भी जाति एक बड़े कारक के रूप में विद्यमान है। खैर छोड़िए, यूपी में मैं मुझे एक मतलब एक बार मैं किसी बस से जा रहा था तो वहां तो इतनी एक तरह से जाति पात की बात चली कि मतलब एक कोई महिला बैठी हुई थी तो वो बता रही थी कि मेरे बाप दादा मतलब एक पार्टी को वोट देते आए हैं, मैं भी उसी पार्टी को वोट दूंगी और मेरे आने वाले बच्चे भी उसी पार्टी को, उनके आने वाले बच्चे भी उसी पार्टी को वोट देंगे। और मैंने पूछा कि क्या किया आपके लिए? कुछ नहीं। इसी तरह आप देखिए, कई जगह आपको देखने को मिलेगा कि आप देखिए हमेशा उस नेता को चुनिए जो आपके साथ रहे। ऐसा नहीं कि आप चिन्ह देखा आपने उसी को वोट दे दिया। कई सांसदों को मैं ऐसा मतलब देखिए दूर से मुझे मालूम है कि वो जनता उन्हें जानती नहीं है फिर भी चुनाव जीत गए, क्योंकि नाम के नाम पर, यानी कि एक सिंबल के नाम पर सिंबल मिला हुआ था। वो कभी उन गांव में नहीं गए, उनके गांव के अगर लोगों से आप जाकर पूछेंगे तो उन्हें उसके नाम नहीं मालूम फिर भी जीत गए। उसी का भुगतान भी तो कर रहे हैं आप लोग। क्या मिल रहा है? लॉकडाउन के टाइम आपने देखा भी तो है कि बुरी स्थिति, जितनी आपकी बुरी स्थिति है उतनी शायद किसी की नहीं रही है। और आज आपने रफेल खरीदने पड़ रहे हैं विमान, और हम लोग खुशियां भी मना लेते हैं। अगर जाति प्रथा और इस तरह की अगर ना भेदभाव हुआ होता और नेता अगर काम के नाम पर वोट मांगते और खुल के कहते कि मुझे वोट दीजिए। मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार ऐसा इंसान देखा है अरविंद केजरीवाल, कि जो कह रहा था खुलकर कि मुझे वोट तभी देना जब आपको लगे कि मैंने काम किया है। अभी आप देखेंगे कोई नेता इस तरह का खुल के बयान नहीं दे सकता है। तो समझिए कि हमें रफेल खरीदने की जरूरत ना पड़ती, हमारी शिक्षा शिक्षा व्यवस्था इतनी बेहतर रहती। अभी भी ये हकीकत है, शायद भक्तों को, या आप किसी किसी भी पार्टी के भक्त हैं, किसी भी एक, इससे मतलब नहीं है। ये आप लोगों को अपने दिमाग में बैठा लेना चाहिए कि चाइना हमसे कई गुना आगे है। इसका मतलब ये बिल्कुल मत, ये बिल्कुल नहीं है कि आर्मी हमारी कमजोर है, लेकिन कई चीजों में हम देखेंगे कि चाइना हमसे आगे है। आप आयात का देख लीजिए, आपके मोबाइल आपके बाजार में अगर 4 फोन बिच रहे हैं उसमें से आप देखेंगे 3 फोन चाइनीज कंपनी के हैं, आप क्या कहते हैं? आप अगर चाइना को 5% अगर निर्यात कर रहे हैं तो आप 70% 80% आयात कर रहे हैं, यानी कि खरीद रहे हैं। यानी कि कहने का मतलब है कि 5 रुपया की चीज आप बेच रहे हैं तो 70 से 80 रुपया की खरीद भी तो रहे हैं आप लोग। आप कैसी बराबरी कर सकते हैं? और हम में एक और बड़ी अच्छी बात है हम लोगों में कि हम क्या करते हैं कि कोई भी काम करते हैं तो उसे बड़े जुनून से करते हैं। अभी हमारे 20 सैनिक के करीब शहीद हुए। हम लोगों ने चाइना चाइना सामानों की बायकॉट करने की बात की है। मैंने उस समय भी बोला था आपसे कि ये कुछ दिन तक ही चलेगा, उसके बाद बंद हो जाएगा, क्योंकि मुमकिन ही नहीं है। आप सोचिए, एक मोबाइल आपको खरीदना है तो आप सस्ता मोबाइल खरीदते हैं, आपको इससे मतलब नहीं है कि किस देश की कंपनी का है। अगर आप सोचिए कि उसी कीमत पर अगर भारतीय कंपनी कोई मोबाइल उपलब्ध करा दे, ऑप्शन आपको मतलब आपके पास विकल्प रहेगा तो आप खरीदेंगे भारतीय कंपनी का, चाइना का नहीं खरीदेंगे, सीधी सी बात है। लेकिन हमारे पास विकल्प भी तो नहीं है। और गुस्सा सबको रहता है, उस समय हमारे 20 शहीद हुए सेना के जवान, तो हमें भी गुस्सा था, आपको भी गुस्सा था। हम लोगों ने उसे उस समय अपने मोबाइल फोड़े, टीवी जलाई, क्या आप मिला हमें? तो सरकारों को काम करना चाहिए, जनता से अगर आप लोग उम्मीद कम रखिए कि मतलब देखिए जनता क्या आपको चुन के आप भरोसा करके आपको भेज देती है, आप क्या कर रहे हैं देश के लिए आप जानिए। आगे है आपका राष्ट्रीय एकता हेतु समस्या भी है। जाति व्यवस्था न केवल हमारे मध्य वैमनस्यता को बढ़ाती है बल्कि ये हमारी एकता में भी दरार पैदा करने का भी काम करती है। जाति प्रथा प्रत्येक मनुष्य के मस्तिष्क में बचपन से ही ऊंच नीच, उत्कृष्टता निकृष्टता के बीज बो देती है, जो कालांतर में क्षेत्रवाद का कारक भी बन जाती है। जाति प्रथा प्रथा से आक्रांत समाज की कमजोरी विस्तृत क्षेत्र में राजनीतिक एकता को स्थापित नहीं करा पाती और यह देश पर किसी बाहरी आक्रमण के समय एक बड़े वर्ग को हतोत्साहित करती है। स्वार्थी राजनीतिज्ञों के कारण जातिवाद से पहले से भी अधिक भयंकर रूप धारण कर लिया है, जिससे सामाजिक कटुता बढ़ी है। एक बात और आपको देखना है, आप लोगों को दूर अमेरिका, चाइना या रशिया या जापान नहीं जाना है, छोड़िए उन देशों को, वो दूर है आपके।
कभी केरल जाके देख सकते हैं। केरल जा नहीं सकते हो तो कम से कम सर्च तो कर सकते हो, केरल के बारे में कभी जान तो सकते हो, जान के देखिए। आप लोग अधिकतर इंडेक्स जो भी आपके यहाँ आएंगे उसमें केरल आपको टॉप को पर मिलेगा। साक्षरता के मामले में देख लीजिए, महिलाओं की स्थिति, लिंगानुपात के मामले में देख लीजिए, शिक्षा के मामले में देख लीजिए, स्वास्थ्य के मामले में देख लीजिए आप लोग। क्यों है? क्योंकि आप वोट मतलब पढ़ते हैं वहां काम के नाम पर। कहते हैं कि जब उत्तर भारत या बाकी राज्यों में जात पात के नाम पर वोट पड़ रहे थे, मंदिर मस्जिद के नाम पर वोट पड़ रहे थे, उस समय केरल में शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार के मामले पर वोट पड़ रहे थे, तो उसका नतीजा भी तो सामने है आज। और एक तरफ बिहार चला जाइए आप लोग, चले जाइए, आधे लोग तो बाढ़ से परेशान है। वहां आप देखेंगे फिर से चुनाव हो रहा है, उसमें भी आप देखेंगे एक दो मुद्दे लेकर खत्म हो जाएगा, कोई शिक्षा रोजगार व्यवस्था कोई नहीं रहेगी उसमें। विकास के प्रगति में बाधक, जातिगत द्रोष द्वेष से उत्पन्न तनाव अथवा राजनीतिक पार्टियों द्वारा किए गए जातिगत तुष्टिकरण से राष्ट्र की प्रगति बाधक होती है। जाति प्रथा के विषय में महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर साहब ने क्या कहा है? महात्मा गांधी तथा भीमराव अंबेडकर साहब भारत में जाति के सुधारों के बड़े समर्थनकर्ता माने जाते हैं। यद्यपि इनका लक्ष्य समान था, परंतु इनके मध्य कई प्रकार की वैचारिक भिन्नताएं थी। एक ओर जहां गांधी जी हिंदू धर्म के अंदर सुधार कर जाति प्रथा की समस्याओं को समाप्त करना चाहते थे, वहीं अंबेडकर साहब हिंदू धर्म से अलग होकर दलितोद्धार चाहते थे। गांधी जी वहां वेद एवं ग्रंथों की उपयुक्त व्याख्या से हरिजनोद्धार की कामना करते थे, वहीं अंबेडकर ग्रंथों में विश्वास नहीं करते थे। गांधी जी हरिजन को हिंदू धर्म का अंग मानते थे, वहीं अंबेडकर साहब उन्हें हिंदू समाज के बाहर धार्मिक अल्पसंख्यक मानते थे। इसी मत विरोध की एक संधि पूना पैक्ट के नाम से भी आप लोगों ने देखा होगा। जहां गांधी जी ग्राम स्वराज की बात करते थे, वहीं अंबेडकर गांव को जातिवाद का प्रमुख केंद्र मानकर शहरीकरण पर जोर देते थे। लास्ट में कह सकते हैं कि वास्तव में जाति प्रथा समाज के एक भयानक विसंगति है जो समय के साथ साथ और प्रबल हो गई है। यह भारतीय संविधान में वर्णित सामाजिक न्याय की अवधारणा कच्ची प्रबल शत्रु है तथा समय समय पर देश को आर्थिक सामाजिक क्षति भी हुई है। निसंदेह सरकार के साथ साथ जन सामान्य धर्मगुरु राजनेता और नागरिक समाज का उत्तरदायित्व है कि यह विसंगति जल्द से जल्द समाप्त हो। इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है? तो सामान्य अध्ययन पेपर फर्स्ट से संबंधित है भारतीय समाज से। एक बात और आपको बता दूं, देखिए भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी में कितना भी विरोध रहा हो, लेकिन एक तरह से उनका उद्देश्य एक ही था, दोनों मतलब आप निचले तबके का उद्धार करना, एक तरह से उन्हें ऊपर लाना, समझ रहे हैं? और आप समझ सकते हैं कि नेहरू की जब कैबिनेट बनाई गई, मंत्री कैबिनेट गठन हुआ, यानी कि मंत्रिमंडल का गठन हुआ, उस समय भीमराव अंबेडकर के एक तरह से विचार नेहरू से मिलते नहीं थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल के आपके विचार मिलते नहीं थे, फिर भी आप देखेंगे कि उन्हें जगह दी गई कैबिनेट में। क्योंकि आप समझिए कि अगर क्षेत्रीय मतलब आप सभी को रियासतों को मिलाना चाहते थे तो उसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल का बहुत बड़ा योगदान है। संविधान की अगर बात की जाए तो संविधान बनाने में आप सोचिए भीमराव अम्बेडकर साहब का बहुत बड़ा योगदान रहा। एक बात और हम बता दूं कि आप देखेंगे कि आप सोचिए कि उस समय के नेता बहुत पढ़े लिखे थे, और आज राष्ट्रवाद कई उस समय आजाद हुए जब कई देशों ने कहा कि आप 2 से 3 साल बाद आप कई हिस्सों में बढ़ जाएंगे, लेकिन आज अगर आपको जोड़ के रखा हुआ है तो वो है संविधान। हमारे संविधान ने हमें जोड़ के रखा हुआ है, ठीक है? यही हमारा राष्ट्रवाद का एक प्रतीक भी है। चलिए खैर, आपको क्वेश्चन अगर लिखने के लिए आता है तो आपको बड़ा बैलेंस बनाकर लिखना है। आपको ना तो नकारात्मक पॉइंट लिख देना है ना ही सकारात्मक पॉइंट का, एक आपको दोनों का बैलेंस बनाना है और लास्ट में आपका निष्कर्ष या जो भी कहिए आपका मूल्यांकन आपको देना है, ठीक है? तो बड़े मतलब भावनाओं में मत बह जाइएगा आप लोग, बड़े अच्छे से पढ़ते रहिए, और जितने अधिक से अधिक आर्टिकल आप लोग पढ़ सकें पढ़ते रहिए, यही आपकी सोच विकसित भी करता है और आपको एक सही रास्ता भी देता है, ठीक है?